नमस्कार भाइयों, यह है अपना यो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो अभी यो 11 टाइम के कल्टीवेटर के साथ चल रहा है। आप देख सकते हैं टायर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस। यह अभी हाई के पहले गियर में चल रहा है 1400 RPM के ऊपर, और ये कहीं कम तो कहीं ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कल्टीवेटर, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। तो जेविन आप देख सकते हैं कैसे है, इसके इसमें अभी बेड बने हुए हैं। बेड के ऊपर मैंने अभी इसमें पराली लगाई थी, कपास कॉटन का क्रॉप। तो इसमें अबला ये खेत ज्वार के फसल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अभी इसमें ज्वार हम बोनी करेंगे ज्वार की। तो देख सकते हैं ये पहली बार की इसमें अब कल्टीवेटर किया हुआ खेत है ये। इसमें हर एक बार अभी आडवियों भी दो साइड में हम इसमें कल्टीवेटर लगाएंगे, उसके बाद सारा घास फूस पूरा निकल जाएगा। उसके बाद उसमें लगाएंगे अब ब्लेड कल्टीवेटर, उसके बाद हम इसमें बोनी करेंगे ज्वार के क्रॉप की। तो देख सकते हैं अब थोड़ा फार ऊपर नीचे है, जब इसमें इसकी आड़वी हो जाएगी कल्टीवेटर तो ये खेत अच्छा हो जाएगा। देख सकते हैं आप, आ रहा है अपना यूवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। ये अभी फोर व्हील ड्राइव मोड में है, अभी हम ज़्यादातर फोर व्हील ड्राइव मोड में ही चलाते हैं जो खींचने वाले इम्प्लीमेंट है। और अभी मैं आपको और टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता था मैं कि टू व्हील ड्राइव के ऊपर इसका कैसा परफॉर्मेंस है और फोर व्हील ड्राइव में कैसा परफॉर्मेंस है। पर क्या है भाइयों कि हम ट्रैक्टर को ज़्यादा ओवरलोड नहीं चलाते, अंडरलोड ही हम चलाते हैं ट्रैक्टर को। तो अगर इस ट्रैक्टर को मैं 11:10 कल्टीवेटर के ऊपर टू व्हील ड्राइव मोड में भी आपको चलाकर दिखाऊं तो सेम परफॉर्मेंस दिखेगी आपको। थोड़ी सी टायर स्लिपेज बढ़ जाएंगी 10%, पर खींचेगा वो ऐसा ही जैसा आप हो गया अब खींच रहा है ना, वैसा ही खींचेगा। पर क्या होता है कि RPM ड्रॉप थे, ड्रॉपेज तो सेम रहेंगे इंजन के, लेकिन क्या होगा फोर व्हील ड्राइव लगाने से ट्रैक्टर की काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसी में हमको एवरेज भी मिलेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा और ट्रैक्टर अंडर लोड भी चलेगा और मेंटेनेंस भी नहीं आएगी। देख सकते हैं ये पहली बार का कल्टीवेशन है, इसमें और एक बार कल्टीवेशन करेंगे हम, दो बार में पूरा आपके खेत की अच्छे से क्या बोलते हैं उसकी गहराई आ जाएगी और मशक्कत अच्छे से हो जाएगी खेत की। तो अगली क्रॉप फसल बोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाइयों आपको फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की वेट ब्लास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं। आप ध्यान से देखना कि इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर हल्के से स्लिप करते हैं पिछले टायर के मुकाबले, तो इसके क्या होना चाहिए कि और भी वेट ब्लास्ट होना चाहिए अगले टायर में। आप देखना थोड़ी सी तो स्लिपेज है ही है पिछले टायर के मुकाबले। तो इस ट्रैक्टर में अभी वेट ब्लास्ट की ज़रूरत है, इसके आगे 1 क्विंटल का वजन है, बम्पर और इसकी वेट प्लेट लगी हुई है एक, तो दोनों का मिलाकर 1 क्विंटल का वजन है इसमें। और अगले टायर में इसमें 70% पानी और 30% हवा का रेशियो है। इस ट्रैक्टर में और भी वेट चाहिए आगे बम्पर के ऊपर, तो आगे हम बहुत ही हेवी बम्पर बनाने वाले हैं और उस बम्पर के और भी 30-30 किलो के दो प्लेट लगा देंगे अपन, ताकि अच्छे से अगले टायर के ऊपर वेट बने और अगले टायर की भी ग्रिप ज़मीन के ऊपर अच्छी बने। और इस ट्रैक्टर के पिछले टायर पे आप देख सकते हैं कि एक एक 30-30 किलो के एक एक प्लेट लगी हुई है पिछले टायर के रिम में, और पिछले टायर में हवा है, पानी नहीं है। तो पिछले टायर में भी अपन 30-30 किलो की और एक एक प्लेट बढ़ा देंगे, ताकि पिछले टायर की भी स्लिपेज जो मिनिमम स्लिपेज थी 10 या 5% कुछ भी रहेंगी, तो वो भी स्लिपेज ख़त्म हो जाए। तो ऐसे करके अपन अच्छे से वेट ब्लास्ट करके चलाने करने वाले हैं ट्रैक्टर के ऊपर। तो आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जो भी नए आने वाले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भी ज्ञान को बढ़ाएं और आपको
ट्रैक्टर के संबंध में कुछ भी सुझाव देना हो तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।